काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जय हिंद फ्रेंड्स। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो, चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना? किसकी? अच्छा, जो भी हो, इतना बड़ा राज्य, एक आध आदमी तो जाएगा ही दिल्ली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? मैंने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई? मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए जाहिल। हमारे यहां शादी चल रही है, शादी का माहौल है। 9 तारीख को हमारे रिलेशन में शादी है, तो चांदनी चौक गए थे सब कपड़ा खरीदने, औरतें सब गई थी। तो 1.5 लाख रुपए जिस लहंगे का बताया था, उसकी बार्गेनिंग शुरू हुई 30,000 में लेकर आए सर। हमने कहा चेक कर लो, धुल के पता लगा, पानी में डाले, निकाले, बनियाइन बची हुई है। मतलब 30,000 एक दिन तो चले ना। टेक्सटाइल में है भी बड़ा मार्जिन, इतना है, इतना बड़ा मार्जिन। पूरा दिन लगाए सब, बड़ा फोन करके हमको बता रहे देंगे, पूरा दिन वेस्ट करके चले आए। हमसे कहा होता 1.5 लाख रुपए के मिले, पैक कर दो। वो खराब हो गया बेटा, तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी, पूरा पैसा गिन लो वाइट। और अगर खराब हो गया, इतना टाइम नहीं है कि दिन भर बैठ के बार्गेन करें कपड़े के लिए। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? करोड़ करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, करोड़ करोड़, और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है। क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता, संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहां बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरल की क्रीम नहीं, ना ब्लीचिंग करा रहे, ना थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए, और पीछे एक से एक बवंडर, भूत पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। कि बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल,
वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है, वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी टीवी प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला और परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो, रामचरितमानस क्या है, रावण रथी वीरत रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक, रावण रथी वीरत रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है अंदर अंदर, कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा है प्रभु। बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना, 18वां अध्याय 18वां श्लोक लंका कांड, रावण रथी वीरत रघुनाथा। तो जैसे हम तुम है मिडिल क्लास के लोग साइकिल पे चलने वाले और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है, अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे, उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए, बोले बनवा देंगे, कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी वाइफ पत्नी के लिए घर बनाओ सोने का, सोने का। बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपथी गेन कर रहा है लड़के के लिए, चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, और यही सब तुम लोग देखते हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत, शक्ति है पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ। तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है, कौन, शक्ति, लेकिन शक्ति लेकिन शक्ति बलि मांगती है, वो जो शक्ति की देवी है ना वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया, साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, मर्सिडीज में टहल रहे हैं, और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं, इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में।
उसी में दो तीन को खा के बाकी छोड़ के चला आया था कि बस हमारा इतना ही था भाई, ये पिंटू उठा लो ये ले जाओ इनको। प्रसादों के कनकाब शिखर कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया, जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब मैं जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, अब वो हो गए जरूर, 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लो गए भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार उनके मां बाप जेल में बंद थे यार। और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो जब तुम भगत सिंह को बार बार सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।